वीडियो फिर से मॉनसून स्पेशल लेकर आई हूँ बिकॉज अभी मॉनसून चल रहा है एंड हेयर फॉल सभी को बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो आज मैं आपको मॉनसून के लिए बहुत ही अमेजिंग हेयर वॉश देने वाली हूँ जो कि बना है स्पेशल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ, जो है बीटरूट यानी कि चुकंदर। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का चुकंदर लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। अब इसे आपको क्या करना है, ग्राइंड करना है थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करके। आधा कप आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसमें एक इंग्रेडिएंट और जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपके बालों के लिए, दोनों की गुडनेस अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। आपको इसमें सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो लेना है जिंजर। जिंजर का छोटा सा पीस ले लीजिए और इसे छीलना नहीं है, है ना। चुकंदर को भी आप पील ऑफ मत करिएगा एंड जिंजर को भी पील ऑफ नहीं करना है। ऐसे ही आपको दोनों के पीस ये लेकर और अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। ग्राइंड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में आप एक लोहे की कढ़ाई ले लीजिए या नॉर्मल बर्तन लेकर उसमें डालकर इसको अच्छे से कुक करेंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर एंड इसमें थोड़ा सा वाटर और ऐड करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ आप देखेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक होने लगेगी, ओके। अब मैं आपको वन बाय वन इसकी गुडनेस बताती हूँ। सो चुकंदर जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपके झड़ते हुए बालों को, अगर बीच बीच से बाल बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उनको तुरंत रोक देता है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है जिससे आपके हेयर की ग्रोथ बहुत तेज़ होने लगती है एंड जो स्कैल्प में डेड स्किन होती है ना उसे भी हटाता है, जिससे आप जो भी चीज़ लगाते हैं अपने स्कैल्प में वो इजीली पोर्स के थ्रू अंदर जाती है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करती है एंड हेयर की ग्रोथ है वो फास्ट होने लगती है। चुकंदर के अंदर देखिए विटामिन B6 होता है, विटामिन सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, पोटेशियम होता है इसके अंदर, है ना, प्रोटीन होता है। सो इतनी सारी गुडनेस होती है जिससे आपके बाल हैं वो तेज़ी से ग्रोथ में आते हैं एंड बालों को एक हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है, ओके। सो ये सारे चुकंदर के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस किस पर काम करेगा। देखिए बालों का झड़ना है वो आपका इससे तुरंत रुकेगा बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स, एक ऐसा गुडनेस होती है जो हेयर फॉलिकल्स है ना उनको मॉइस्चर करती है, उनको मॉइस्चराइज करती है एंड जो बालों का झड़ना है वो तुरंत रोक देती है, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बालों का जो सफ़ेद होना, अगर बहुत ज़्यादा बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर होती है एंड डैंड्रफ अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो भी दूर होता है। स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होने लगता है, ओके। एंड इसके साथ में आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और बालों में जो ड्राइनेस है ना स्कैल्प में बालों में वो दूर होके और बालों में मॉइस्चर रहता है। सो ये मॉनसून के लिए बहुत ही अच्छा हेयर वॉश है, आप इसे ज़रूर बनाकर यूज़ करना। आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ होने लगेगी एंड सभी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। सो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम है और मैं इसको कुक कर रही हूँ, 5 से 8 मिनट लगेंगे बस, इतनी देर आपको कुक करना है। और इसमें मैंने 1 ग्लास पूरा पानी डाल दिया है, ठीक है। एक ग्लास पानी जब थोड़ा सा होने लगेगा ना थिक, तब आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, ओके। सो ये आपके बालों के लिए अमेजिंग है एंड इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन ए मौजूद है ना। इन सब की वजह से आपके बाल हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। सो आप लोग इसे ज़रूर लगाइए, इसे वीक में कम से कम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार आप लोग लगा सकते हैं। रात में ऑयलिंग करनी है, ऑयलिंग के बाद में मॉर्निंग में इसे हेयर वॉश को अपने बालों पर लगाना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, 1 घंटे के बाद में आप शैम्पू कर सकते हैं, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसकी और भी वीडियोज़ आपके साथ लेकर आऊँगी। सो आप लोग इस तरह से इसे रेगुलर यूज़ करिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगेंगे और बालों से जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। सो यहाँ पर देखिए ये पूरा इस तरह से एकदम थिक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक कपड़ा लेना है, कपड़े में डाल के और अच्छे से छान कर निकाल लेना है। सो ये आपका हेयर वॉश बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसको बनाइए, ज़रूर लगाइए एंड अगर आप इसे हेयर वॉश को 3-4 दिन के लिए स्टोर करना चाहें तो इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिएगा, 5 से 6 बूंद आप डालेंगे, उसके बाद में ये आपका 1 हफ्ते और चल जाएगा, ठीक है। सो आप लोग इस तरह से इसको ज़रूर बनाइए और यूज़ करिए। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके साथ में शेयर ज़रूर करिए एंड इसका एप्लीकेशन आपको चिश ब्यूटी चैनल के ऊपर, चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल पर मिलेगा। इसका मैंने आपके साथ टोनर भी शेयर किया था, उसका भी आपको एप्लीकेशन है वो वहीं पर मिलेगा
एंड चिश्तिया क्रिएशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लखनवी चिकनकारी हैंडवर्क कुर्तीज लेना चाहते हैं, दुपट्टा, प्लाजो, पैंट्स, है ना, शरारा, गरारा और बहुत सारी जॉर्जेट की फैब्रिक्स वगैरह। सो आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है वहाँ पर। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको भी क्लिक करके और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को करिए। आगे मैंने आपके साथ एक ऑयलिंग का प्रोसीजर शेयर किया है, सो वीडियो आप लोग उसे भी देखिए और समझिए सारे टिप्स के ऑयलिंग करने पर क्या क्या चीज़ें की जाती है जिससे हेयर फॉल ना हो। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। सो गाइज अभी नाइट टाइम है एंड मैं आपको अपना ऑयलिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बताने वाली हूँ आज। एंड यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है न्यूड का कैरोट सीड हेयर ऑयल। जी हाँ, इतना ज़्यादा अमेजिंग हेयर ऑयल है ये कि आपके बालों में जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, वो सारी इससे रिड्यूस होती है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड आप लोगों को पता ही है मैंने अपना DIY भी कैरोट ऑयल आपके साथ शेयर कर रखा है, चैनल पर सीरीज बनी हुई है पूरी कैरोट सीड के नाम से, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग इसे अपने पास रख सकते हैं, कहीं ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए इसकी थोड़ी सी मैं आपको गुडनेस बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कैरोट सीड हेयर ऑयल, तो यहाँ पर कैरोट सीड से बना हेयर ऑयल है ये। एंड इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें कैरोट सीड तो है ही, इसके साथ में विटामिन ई, वीट क्रीम ऑयल है, ऑलमंड ऑयल है, ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, भृंगराज है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, सनफ्लावर ऑयल है, सिसमे ऑयल है एंड कैस्टर ऑयल है। इतने सारे ऑयल इसमें हैं मिक्स, तो सोचिए इसकी कितनी ज़्यादा पावरफुल ऑयल है, है ना। एंड बहुत अच्छा, जब आप इसे लगाएंगे ना तो लिटरली आपके बालों में एकदम से मतलब हेल्दी होने लगेंगे बाल। आप इसे रात में लगाकर पूरा अच्छे से चंपी करना, लेंथ पर बहुत अच्छे से लगाइए। अगर आपके बाल ड्राई, फ्रेजी है ना, डैमेज बाल है, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जब आप हेयर वॉश करोगे, आफ्टर हेयर वॉश आपके बाल इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की हो जाएंगे, बिकॉज जब मैंने रात में ऑयलिंग करके मॉर्निंग में बालों को वॉश किया ना, तो सीरियसली बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस बालों में आ गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। सो गाइज आप लोग भी अपने लिए लेना चाहते हैं तो मैंने इसका ऑयल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लिंक पर क्लिक करके अपने लिए ऑर्डर कर लीजिएगा। एंड रात में हमेशा देखिए अच्छे से ऑयलिंग करिए, चंपी करिए और मॉर्निंग में हेयर वॉश करिए। अगर वीक में 3 बार आप इस ऑयल को लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगेंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके।